इंडस्ट्री के लॉन्गेस्ट रनिंग सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी में अक्षरा और अभिमन्यु का रिश्ता पूरी तरह से बदल चुका है। अब शो के आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे दादी का ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है, इसी बर्थडे सेलिब्रेशन में गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे कायरव भैया। भाई अभिमन्यु और अक्षरा एक दूसरे की आंखों के सामने हैं। अक्षरा पूरी तरह से खामोश है, चाहकर भी अभिमन्यु से कुछ कह नहीं पा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे अक्षरा और अभिमन्यु, इन दोनों को साथ साथ देखकर कायरव भैया गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे। अभिमन्यु को परिवार वालों का प्यार अब भी मिल रहा है, ये सब कुछ कायरव भैया से देखा नहीं जाएगा। आप देखेंगे शो की कहानी में कायरव भैया अभिमन्यु के सामने आएंगे, पूरे परिवार के सामने अभिमन्यु को फटकार लगाएंगे। भाई कायरव भैया अभिमन्यु से कह देंगे, तुम्हारी वजह से मेरी दोनों बहनों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, तुम्हारी वजह से मेरी दोनों बहनें इतनी ज्यादा परेशान हैं। भाई कायरव भैया के सामने साफ साफ अभिमन्यु अपने दिल की बात तो कह नहीं पाएगा, और यहाँ कायरव भैया अभिमन्यु को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। कायरव भैया अभिमन्यु को कह देंगे, 6 साल में मेरी बहन ने कितनी तकलीफ सही है, अगर अभिनव उसकी जिंदगी में ना होता तो पता नहीं मेरी बहन कैसे रहती। आप देखेंगे शो के आगे आने वाले ट्रैक में कायरव भैया अभिमन्यु को काफी ज्यादा गिल्ट महसूस कराएंगे। 6 साल पहले नील की मौत के लिए अभिमन्यु ने जो अक्षरा को जिम्मेदार ठहरा दिया, इसे लेकर कायरव भैया अभिमन्यु की क्लास लगाने वाले हैं, और दादी के बर्थडे सेलिब्रेशन पर एक बड़ा हंगामा हो जाने वाला है। देखना होगा यहाँ से आगे अब अक्षरा दादी के बर्थडे सेलिब्रेशन पर होने वाले इस ड्रामे को कैसे रोकती है।